बेन 10 हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है और बचपन में बेन 10 को देखने के बाद से ही हम सबके दिल में बस एक ही ख्वाब था कि काश हमें भी ओमनीट्रिक्स मिल जाए। तो तुम सोचो कि समहाउ तुम्हें भी अपना एक ओमनीट्रिक्स मिल जाए और तुम उससे बिंदास अपने दुश्मनों को पेल रहे हो और तुम्हारे यूनिवर्स में सब ठीक ठाक ही चल रहा है और अचानक एक दिन तुम्हारे सामने आ जाता है मैड टाइटन थैनोस अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। और गेस व्हाट, ये थैनोस कोई पॉपुलेशन मिटाने नहीं आया है, ये आया है तुम्हें पेलने। तो तुम तो सोच रहे होगे कि तुम ठहरे ओमनीट्रिक्स यूजर, एलियन बनोगे और थैनोस को पेलोगे। बट रुको भाई, इतना इजी नहीं है थैनोस को पेलना। तुम जिस परिस्थिति में हो उसको एक बार कल्पना करो। तुम्हारे सामने एक नियरली गॉड लेवल एंटिटी है और उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी है। मतलब अगर तुमने बाय चांस गलत एलियन चूज किया तो थैनोस तुम्हें एक पल में खत्म कर सकता है। तो अगर तुम थैनोस से अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें सारे प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होगा। तो तुम्हें कौन सा एलियन चूज करना है वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो थैनोस टाइटन पे रहने वाला एक इटर्नल है, मतलब वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सबसे बड़ी बात 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है और वो नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि थैनोस से तुम फिजिकली फाइट करने वाले हो, इसका मतलब तुम ह्यूमंगस और फोर आर्म्स या फिर डायमंड हेड जैसे एलियंस को इस्तेमाल करोगे, तो सोच लो कि थैनोस तुम्हें ऑलरेडी मार चुका है। पर अगर तुम बड़े एलियंस जैसे कि टोकु स्टार, मतलब वे बिग या फिर उससे भी बड़े बड़े एलियंस को इस्तेमाल करोगे तो फिर शायद तुम थैनोस को फिजिकली डाउन कर पाओ। पर ये बात याद रखना कि उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है, तो फिर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर की मदद से वो किसी भी एलियन को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकता है। तो ग्राउंड लेवल एलियंस, मतलब जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, उनसे तुम थैनोस को तो कभी हरा नहीं पाओगे। तो इस हालत पे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है और तुम सोच रहे हो कि हाई स्पीड एलियंस को इस्तेमाल करके थैनोस के स्ट्रेंथ का सामना किया जाए। तो तुम इस्तेमाल करोगे फास्ट ट्रैक या फिर एक्सेलरेट, पर इन दोनों को इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं क्योंकि थैनोस के पास ऑलरेडी रियलिटी स्टोन्स और स्पेस स्टोन है और इन दोनों स्टोन का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे रियलिटी को शैटर कर सकता है, तुम्हारी स्पीड को घटा सकता है और तुम जहाँ पे भागने वाले हो वहाँ पे स्पेस स्टोन से पहले ही टेलीपोर्ट हो सकता है। तो फिर स्पीड का सामना थैनोस से हो तो फिर थैनोस जरूर जीतेगा। कोई भी ग्राउंड लेवल एलियन थैनोस को हरा नहीं सकता, तो तुम्हें चूज करना होगा कॉस्मिक लेवल एलियंस को। इसका मतलब ऐसे एलियन जो बहुत ही ताकतवर है और जो रियलिटी शैटर करने की क्षमता रखते हैं। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक है क्लॉकवर्क और दूसरा एलियन एक्स। तो पहले ही बता दूं कि ये दोनों एलियंस ही थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ डिफीट कर सकते हैं, पर थैनोस को डिफीट करने के लिए इनको कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लॉकवर्क एक बहुत ही ताकतवर एलियन है जो टाइम के साथ छेड़खानी करके थैनोस को डिफीट कर सकता है, मतलब वो टाइम को रोक के या फिर टाइम में आगे पीछे जाके थैनोस को टक्कर दे सकता है, यहाँ तक कि वो थैनोस को हरा तक सकता है। पर चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि तुम्हारे सामने खुद थैनोस खड़ा है। तो तुम थैनोस को तभी डिफीट कर पाओगे अगर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत बढ़िया हो, क्योंकि क्लॉकवर्क को टाइम मैनिपुलेट करने के लिए अपने सिर पे लगे हुए चाबी को घुमाना पड़ता है। तो अगर तुमने चाबी को घुमाने में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो थैनोस तुम्हें वहीं पे निपटा देगा। और तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है एलियन एक्स। एलियन एक्स लिटरली एक गॉड लेवल एंटिटी है जो पूरे बेन 10 यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग एलियन है, जो अगर अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट करे तो थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी हरा सकता है। पर एलियन एक्स का भी एक वीक पॉइंट है, अगर तुम्हें उसका फुल पोटेंशियल यूज करना है तो तुम्हें उसके अंदर के दो पर्सनैलिटीज यानी कि सेरेना और बेलिकस को मनाना होगा। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एलियन एक्स का कंट्रोल है तो तभी उसको यूज करना, वरना सेरेना और बेलिकस को मनाते मनाते ही थैनोस तुम्हें निपटा देगा। तो क्या होगा अगर तुम्हारे पास ना ही एलियन एक्स का कंट्रोल है और ना ही क्लॉकवर्क का बढ़िया रिफ्लेक्स? क्या तुम थैनोस के सामने हार मान के मौत को स्वीकार कर लोगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे एक एलियन के बारे में जानोगे जो थैनोस को डिफीट कर सकता है और उसको यूज करने का ऐसा कोई शर्त भी नहीं है? तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, तो तुम सेकंड ऑप्शन को ही चूज करोगे। तो जिस एलियन के बारे में मैं बात कर रहा था वो एलियन और कोई नहीं है हमारा अपना फीडबैक। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो एंड गेम का वो सीन याद करो जब कैप्टन मार्वल थैनोस के गॉन्टलेट को पकड़ के इन्फिनिटी स्टोन से एनर्जी सक कर रही थी, और इससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन के एनर्जी को सक किया जा सकता है। तो हमारा फीडबैक जिसने बेन 10 ओमनीवर्स में पूरे बिग बैंग जितने एनर्जी को मैनिपुलेट किया है, उसके लिए इन्फिनिटी स्टोन कोई बड़ी बात तो हो नहीं सकती। तो फीडबैक इन्फिनिटी स्टोन के पावर को सक करके यूज कर सकते हैं थैनोस के अगेंस्ट, और इससे वो थैनोस को डिफीट तक कर सकता है। तो एट द एंड तुम्हें ये पता चल चुका है कि अगर तुम्हारे पास कभी ओमनीट्रिक्स आ जाए और तुम्हारे सामने खुद मैड टाइटन थैनोस तुम्हें पेलने आए तो तुम किन किन एलियंस को यूज करके उससे बच सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास अच्छे रिफ्लेक्सेस है तो क्लॉकवर्क को यूज करो, और अगर एलियन एक्स का कंट्रोल है तो एलियन एक्स को यूज करो, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो फीडबैक को यूज करो, और फीडबैक बहुत ही हैंडी एलियन है तो तुम उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि और कौन कौन से एलियन से तुम्हें लगता है कि तुम थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हरा सकते हो। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।